मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सुकृति पांडे आप लोग को दर्शन करवा रही है। ये झूमर वगैरह आप देख सकते हैं कितनी, हमेशा ये ख्याल रखिएगा हमें। ठीक है, थैंक यू। फिर जाना, फिर आपको उनके पास ही है, वहाँ दर्शन करने आए हैं। इंद्र है जीव कल्याण का और यहाँ मेरी ये सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे का सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आपके सामने एक और ब्लॉग हम लेकर के आ चुके हैं। एक जगह एक मंदिर बनी है जिसके कि आप लोगों को हम दर्शन करवाने वाले हैं। इस मंदिर का नाम है इस्कॉन टेंपल और अगर प्रॉपर इस मंदिर का नाम देखा जाए तो श्री श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर इसका नाम है। लोकेशन की बात करें तो जो GPO गोलम्बर से तारामंडल जाने वाली जो रोड होती है या इनकम टैक्स आप कह सकते हैं जो जाने वाली रोड होती है, पर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं घर अंगनागर के एक आपका रेस्टोरेंट है और बगल में पाल होटल भी रेस्टोरेंट है। वो आपको हम एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर आने में। तो बाकी का डिटेल आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद बताएंगे। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। इसका कल ही ओपनिंग हुआ है और पहले बता दें ये मंदिर स्थित कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में ये मंदिर स्थित है। 3 मई को इसकी उद्घाटन हुई है। किसके द्वारा? तो हमारे जो CM हुए यहाँ के नीतीश कुमार जी उनके द्वारा और महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी के द्वारा इसकी ओपनिंग हुई है। तो आज इस मंदिर के बारे में आपको हम काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। ऐसे कहा जा रहा है कि ये भारत का चौथा सबसे विशाल मंदिर है। जो इस मंदिर की एक खासियत है कि 84 खंभे पर इसे बनाया गया, 84 पिलर ये दी हुई है इस मंदिर में, उस पर इस मंदिर को बनाया गया है। तो इस मंदिर के आज अंदर जाएंगे और सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं और दी गई है। तो उधर आप एक देख सकते हैं हेल्प डेस्क है, लाइक आपको अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वहाँ पर हेल्प डेस्क के पास जा सकते हैं और जाकर यहाँ के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं। आप नज़ारा तो यहाँ का देख ही रहे हैं। मंदिर इतनी खूबसूरत है कि आपका नजर नहीं हटेगा अगर आप यहाँ पर आओगे तो। हम भी यहाँ के लिए भी नए ही हैं, जो जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ आपको हम दिखाते चले जाएंगे। और बात करें अगर इस टेंपल के किए कि 2 एकड़ में इसे बनाया गया है और 100 करोड़ रुपए लगा है इस मंदिर को बनाने में। पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कहां से एंट्री करना है, बट हाँ यहां पर लिखा हुआ है कि मंदिर जाने का रास्ता, और कृपया जूता चप्पल यहां उतारें। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि जूता चप्पल अपना सही से रखा करें, और क्योंकि मंदिर है ये श्रद्धा वाली जगह है तो अपना थोड़ा सोच समझ के रखा करें। रास्ता की अगर बात करें तो देखिए एक नीचे से जाने की रास्ता है, तो हम सोच रहे हैं हम इधर से ही जाते हैं। कुछ लोग उधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं, पर हम यहाँ से जाते हैं और जाकर आप लोग को दिखाते हैं कि ये रास्ता किस तरीके से अंदर हमें लेकर जाती है। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फर्श है ये मार्बल की बनी हुई है नीचे। कृपया जूता चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 बजे से लिखा हुआ है सुबह के। लंच का टाइमिंग आप देख सकते हैं 2 बजे से लिखा हुआ है। डिनर का टाइमिंग आप देख सकते हैं 7:30 बजे से। अगर हम अंदर की ओर जाएं यहाँ पर तो देख सकते हैं कि ये एक हॉल है जहाँ पर काफ़ी सारे चेयर्स लगे हुए हैं। अभी हमको खुद भी नहीं पता है यहाँ के बारे में, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे जानकारी लेकर और आप लोग तक उस जानकारी को लाने की। आप देख सकते हैं चारों तरफ AC वगैरह लगी हुई है, शांति महसूस हो रहा है। और इधर देख सकते हैं कुछ पूजा पाठ की तैयारी चल रही है, हमारे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत माहौल है, काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। आप लोग आंटी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? यहाँ पर आंटी थोड़ा हमको बता दीजिए क्योंकि हम अभी फर्स्ट हम भी आज यहाँ पर आए हैं तो अभी थोड़ा हमको नॉलेज नहीं है ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हॉल क्यों बना हुआ है? यहाँ पे आज दीक्षा देंगे महाराज जी। अच्छा, जो भक्त लोग आए हैं हाँ। तो मायापुर से महाराज जी आए हैं, परम पूज्य जय पता का कुशवा महाराज जी हाँ। वो भक्तों को दीक्षा देंगे, हरे राम दीक्षा होगा। अच्छा अच्छा हाँ, और ऊपर में प्रसादम होता है हाँ। प्रसादम हॉल है। तो आप लोग तक हम जानकारी तो पहुंचा दिए यहाँ पर बात करके। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई हैं। दिखाए वहाँ पर यज्ञ हो रही थी, दीक्षा दी जाती है वहाँ पर, तो वो ग्राउंड फ्लोर में था। अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर हम लोग दर्शन करने आए हैं। जो मेन मंदिर अगर वहाँ जाना चाहें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एरो दी हुई है, बताई हुई है, हमें इंडिकेट किया गया है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे 2nd फ्लोर पे तो हम लोग को टेंपल हॉल मिल जाएगा। हम लोग अभी इसमें चलेंगे, 1st फ्लोर पर जाएंगे तो आप भंडारा कह सकते हैं। वॉश योर हैंड्स एंड टॉयलेट्स, उधर आपको सारा कुछ का दिया गया है सुविधा, टेबल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। खाने की व्यवस्था काफ़ी बेहतर तरीके से की गई है, ज़्यादा तो यहाँ पर पंडित जी लोग दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, और इधर कुछ श्रद्धालु लोग भी हैं।
भीड़ अभी से दिखने लग गई है, वॉशरूम भी काफी अच्छे कंडीशन में अभी तो खैर बनी ही है। तो हम तो बोलेंगे सारे लोगों से जो भी यहाँ पर आएंगे दर्शन करने, प्लीज ये मंदिर है हमेशा ही ख्याल रखिएगा, हमेशा ही साफ सुथरा रखना हम लोग का फर्ज बनता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे हम लोग बात करते हैं अभी, और बातचीत करके थोड़ा इस फ्लोर के बारे में और थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, नाम क्या है? नंद गोपाल दास, मैं इस्कॉन का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, और भगवान का घर बना है और आनंद का घर बना है। हाँ। और काफी पिछले 12 सालों से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने इस्कॉन पटना के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कृष्ण कृपा दास जी, उनके अनवरत संघर्ष अनवरत प्रयास का प्रतिफल है ये। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं जो जयपताक स्वामी महाराज, उनका परिणाम, उनका सतत आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा, उसका परिणाम आज दिख रहा है आपको। हाँ। और हमने इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा है बिहार का गौरव, द ग्लोरी ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार जो वैदिक सांस्कृतिक जो बिहार रही हमारा वो काफ़ी समृद्ध रहा है, सांस्कृतिक तौर पे भी वैदिक तौर पे भी काफ़ी समृद्ध रहा है बिहार। सभी बिहारवासी आए दर्शन करें और ये दर्शन का लाभ उठाएं, क्योंकि ये जीव कल्याण का केंद्र है, ये केंद्र है जीव कल्याण का। और यहाँ मेरे ये हमारा आध्यात्मिक अस्पताल भी है, ये हमारा कि ये जो आदमी के दो तरह एक रोग है तो डॉक्टर ठीक करेगा, जो भाव रोग होता है वो डॉक्टर नहीं, भाव रोग यही ठीक होगा। ये अस्पताल मैं मतलब आध्यात्मिक अस्पताल का भी काम करेगा, और ये बिहार के जो आध्यात्मिक टूरिज्म है उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। अभी देखा कल जो हमारा 3 मई 2022 को कल उद्घाटन था, लोगों का मतलब जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये 84 जो पिलर पे बनी है, ये इसके पीछे कुछ राज भी है क्या? 84 के पीछे इस राज ने कि 84 खंभा इसलिए हम लोगों ने बनाया है कि हम लोग 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य जोनी को प्राप्त करते हैं। तो एक तो वो है इसका रीजन महात्मा है, दूसरा भगवान ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था द्वारका में, जहाँ भगवान ने 84 खंभे का माल बनाया था कृष्ण ने द्वारका में, इसलिए हम लोगों ने 84 खंभे दिया। अच्छा, इसलिए क्या? इसलिए जो 84 खंभे का प्रदक्षिणा कर लेगा वो 84 लाख जोनी से मुक्त हो जाए। और इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर हमारा है वहाँ क्या देखने को मिलेगा? वहाँ मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नीचे हमने ऑडिटोरियम बनाया है जिसमें कि 700 लोग एक साथ प्रोग्राम देख सकते हैं, हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम होगा आध्यात्मिक प्रोग्राम होगा। तो ऑडिटोरियम है हमारा। फर्स्ट फ्लोर पे हमने गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया है जिसमें कि 200 लोग बैठ सकते हैं, उसमें बिना लहसुन प्याज का आपको सारा फूड्स खाने को मिलेगा, ये किसी के लिए भी अलाव है। फिर हमने जो आप देख रही हैं ये प्रसाद हॉल हमने बनाया जिसमें 1000 लोग एक साथ बैठ के प्रसाद ले सकते हैं, बैठ के। और इसके ऊपर हमने मंदिर बनाया है, मंदिर को हमने डबल डेकर इसलिए बना दिया कि पटना का पॉपुलेशन बढ़ेगा 10 साल बाद, या फेस्टिवल सीजन में भीड़ बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए मतलब वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग डबल डेकर बनाया। और इसके जस्ट पीछे हमने गेस्ट हाउस, अपने जो आजीवन सदस्य हमारे होते हैं लाइव मेंबर्स होते हैं, उसके लिए हमने गेस्ट हाउस बनाया जो कि 70 कमरे का है, सारे एसी रूम है हमारा। दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान का कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा राधे राधे। ठीक है पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सही से आप सारा कुछ समझाए, बिल्कुल हमारे जनता लोग सभी सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अभी हम लोग इस मंदिर में और भी जाएंगे और सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे। तो नमस्कार, थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इधर खाना वगैरह रखा हुआ है, सब्जियाँ सारी कुछ रखी हुई हैं। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? नित्यानंद रूपादास। यहाँ पर रखा हुआ है पूरा खाना वाना बन रहा है, ये क्या लहसुन प्याज सब इसमें पड़ता है? नहीं, ये भगवान का प्रसाद, लहसुन प्याज नहीं होता है, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। और कितने लोगों के लिए करीब करीब यहाँ पर खाना बन रहा है आज? कितना लोग के लिए? 1000 लोग के लिए। 1000 लोग के लिए बन रहा है। आप थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए, कैसा आपको लग रहा है मंदिर बना, इतना खूबसूरत है? बहुत अच्छा है, 3 साल बाद में ये मंदिर बना रहा है, इतना आदमी आया है उसने उतना के लिए सब लोग के लिए खाना पकाने का बहुत गर्व आएगा। गर्व हो रहा होगा काफी। और आप यहाँ का देख सकते हैं माहौल कितना खूबसूरत है, कितने सफाई से सारी चीजें बनाई जा रही है और लोग लगे पड़े हुए हैं अपने अपने काम को लेकर। मंदिर है, भगवान का जगह है, जिससे जितना बन पाए उतना करना चाहिए, क्योंकि आखिर जाना फिर आपको उनके पास ही है, वहाँ आपको जवाब देना होता है कि आप धरती से क्या क्या करके आए हैं, नीचे से आप क्या क्या करके आए। अब हम लोग चलते हैं टेंपल हॉल की तरफ जो कि इस मंदिर की मेन सेक्शन है, वहाँ हम लोग चलते हैं, ऊपर हमारे भगवान विराजमान हैं सेकंड फ्लोर पे। अच्छा फील हो रहा है, मन को शांति प्रदान हो रही है कि अभी इस मंदिर की ओपनिंग की सिर्फ 1 दिन हुई है, आ गए दर्शन करने के लिए, ये हमारी सौभाग्य की बात है। तो अब हम लोग अंदर की ओर एंट्री करेंगे और आप लोग को राधे कृष्ण की दर्शन करवाएंगे। चलते हैं अंदर,
ये देखिए, ये कुछ ऐसा माहौल है आपका। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं काफ़ी तादाद में, और देख लीजिए सुकृति पांडे आप लोग को दर्शन करवा रही है। अभी मंदिर का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही हुआ है, आज ये दूसरा दिन है और आप लोग को हम दर्शन करवाने के लिए आ गए हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग को बता दें हो क्या रहा है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और श्रीमद् भागवत कथा सच में आपका मन बहुत ही शांति मतलब प्रतीत होता है उससे सुनने से। कलाकृतियाँ की अगर बात करें तो आप देखिए चारों तरफ कुछ ना कुछ बनी हुई है। लाइक इस तरफ अगर देखा जाए तो देखिए राधे कृष्ण आपको दिखेंगे, हर एक रूप में राधे कृष्ण आपको दिखेंगे। और कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं जिसमें कि कुछ श्रद्धालु जन है और कुछ पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। आपको हम नाम से बता देते हैं, संबोधित कर देते हैं, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। ये तीनों जो आप यहाँ पर प्रतिमा देख रहे हैं, ये यही तीनों भगवान हैं जिनका आपको हम नाम बताएं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर श्री श्री राधा बांके बिहारी जी एवं ललिता विशाखा जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप देख सकते हैं चारों की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई हैं। और उससे अगर हम आगे बढ़ें तो आपको एक और तीसरा भी एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं श्री श्री गौर निताई। तो श्री श्री गौर निताई आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी प्रतिमा बनी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना शांति महसूस हो रहा है। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोगों को जो दिखाना था हम दिखा दिए। बाकी ऊपर का अगर सजावट की बात करें तो मैं ये झूमर वगैरह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो चलते हैं हम लोग इस मंदिर के अगर कोई और पार्ट है तो उस तरफ भी हम लोग पता करते हैं और जाकर आप लोगों को हम दिखाते हैं। हाँ अच्छा वही है, एक मिनट इन्हीं से पूछ लेते हैं। एक प्रतिमा देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी हल्ला नहीं करना है। तो ऊपर जो मंदिर है हमारा जो अभी हम दर्शन करवाए वहाँ का देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनाया हुआ है कैंपस टाइप का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लोग बैठे हुए भी हैं, अगर पीछे कैमरा करके दिखाया जाए तो यहाँ पर चेयर वगैरह लगा कर लोग बैठे हुए भी हैं। तो अब हम लोग चलेंगे इसके कोई और सेक्शन में भी अगर इसके बाद भी कोई बना हुआ, क्योंकि एक फ्लोर दिख रहा है उसके ऊपर भी, देखते हैं कहाँ हम लोग जा सकते हैं, और नहीं तो फिर वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी। तो अब जा रहे हैं इसके थर्ड फ्लोर पर। तो यहाँ पर पंडित जी लोग से बात किए तो पता चला कि कुछ खास ऊपर नहीं है, बस एक छत की तरह अगर देखा जाए। तो जो नीचे मंदिर थी ना सेकेंड फ्लोर पर, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हम लोग नहीं राइट साइड में हम लोग आगे बढ़े ना तो एक गली जैसी थी उसके अंदर हम लोग आए हैं। तो ये हम लोग को दिखा है, लगता है इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ पर आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए ऊपर से तो आप लोग पूरा व्यू ही देख सकते हैं नीचे मंदिर का। देखिए आप लोग को सुकृति पांडे पूरा का पूरा व्यू दिखा दी इस मंदिर का, और क्या ही चाहिए बताइए। एक थैंक यू तो बोल ही दीजिएगा आप लोग कमेंट में प्लीज़। सुबह सुबह उठ के हम लोग आ गए अभी। हाँ टाइम की अगर बात करें तो टाइम दिखा दीजिए, टाइम की बात करें 11:20 हो रहा है और हम लोग यहाँ पर 9:30 बजे से ही आए हुए हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोग के लिए। व्यू देखिए कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं इधर भी काफ़ी कुछ लगता है बनेगा, देख सकते हैं। एक बार और आएंगे जब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी ये मंदिर, जो भी कुछ बची हुई है वो सब भी फिनिश हो जाएगी तो आएंगे यहाँ का व्यू सारा कुछ लेकर दिखाएंगे। लेकिन हाँ नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम बनाएंगे वो इवनिंग में बनाएंगे, सुनने में आया है कि इवनिंग में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब यहाँ पर लाइट वगैरह जलती है ना, काफ़ी प्यारा लगता है। इवनिंग वाला वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोग को इवनिंग वाली वीडियो यहाँ की चाहिए कि नहीं। जी तो दर्शन तो आपको हम लोग करवा दिए यहाँ का, आप लोग देख ही लिए कि कैसा मंदिर है। आप लोग बिल्कुल आइएगा यहाँ पर और आकर आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। यही बोलेंगे वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।